नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आसान गृहस्थी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कभी पकोड़े की कड़ी बनाते हैं, कभी पालक की कड़ी बनाते हैं। आज मैं एक ऐसी चीज़ दिखा रही हूँ आपको, कुछ अलग सी है ये, इसकी कड़ी बनाना। शायद आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन ये देखो, ये वाली, इसको हम सांगरी बोलते हैं। ये राजस्थान में होती हैं और ये खेजड़ी के पेड़ होता है, उसी के उसी पे लगती हैं। और इसको उबाल के, सुखा के, मतलब ऐसे रखी जाती हैं ये, मतलब ये वाली इस तरह से। अब इसको मैं करूँगी बॉईल। बॉईल करने के लिए इसमें डाल रही हूँ पानी, ये देखो, इसको बॉईल करूँगी। जब ये ताज़ा होती हैं तब तो इनका ग्रीन कलर होता है, हरा कलर। उसके बाद जैसे ये सूख जाती है तो ये काला कलर हो जाता है। ये बहुत ही मार्केट में, राजस्थान में तो हर दुकान पे मिलती हैं ये, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इनको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गई है इसको हमें बॉईल करते सांगरी को। ये बॉईल हो गई है और इस तरह से हो गई है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इनको हटाते हैं गैस पे से, इस तरह से इनको ऐसे इस प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से सारी सांगरी हमने निकालनी है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कढ़ी कैसे बनती है। इसके लिए गैस ऑन करते हैं और ये रख देते हैं पतीला इसके ऊपर, और इसमें डालती हूँ देसी घी। कढ़ी मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। आप तेल में या घी में, जैसे भी आप बनाते हो, वो अपनी पसंद है। इस तरह से हमारा घी गर्म होता है, इतनी देर हम कर लेते हैं और तैयारियाँ। दोस्तों, कढ़ी बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर ये छाछ ली है और इसके अंदर ये वाला चम्मच, एक ये बेसन का लिया है, और ये 4-5 कली लहसुन की है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर डालती हूँ मैं मसाले। ये 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार। छाछ हमारी कम है इसलिए मैं इसमें 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ। जितनी आपकी छाछ की और कढ़ी की क्वांटिटी होती है, उसी के हिसाब आप ये बेसन और नमक उसी हिसाब अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और ये सब डाल लिए। अब हमारा ये घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डालती हूँ जीरा, और ये थोड़ी सी ये हींग डाल रही हूँ। गैस को हम कर देते हैं मीडियम और इसके ऊपर लगा देती हूँ ढक्कन। इतनी देर हमारा मसाला भुन जाएगा। इतनी देर करते हैं हम इसकी तैयारी। ये छाछ है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये वाला बेसन, और इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। दोस्तों, हमारा मसाला एकदम भुन चुका है। देखो, इसमें तेल छोड़ दिया, यानी न घी, क्योंकि तेल में सब्ज़ी बनाते हैं तो तेल का ही याद रहता है, लेकिन मैं कढ़ी हमेशा घी में ही बनाती हूँ, देसी घी में। अब इसके अंदर डालती हूँ ये सांगरी जो मैंने उबाली थी, ये इसके अंदर। अब मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सांगरी की सूखी सब्जी भी बनती है, लेकिन मैं, हमें कढ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको कढ़ी बनाती हूँ। इसको अच्छे से भून लिया, ऐसे मिक्स कर लिया। गैस थोड़ी कर देती हूँ तेज, और इसके अंदर डाल रही हूँ ये
छाछ, छाछ डालते टाइम हम अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी छाछ फट जाती है इस तरह से। और कढ़ी बनाने से पहले छाछ को एक बार चख लें, ज़्यादा खट्टी छाछ होती है तो उसकी कढ़ी अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा फीकी होती है उसकी भी नहीं, ठीक ठीक होनी चाहिए। अब इसको जब तक इसमें स्टीम नहीं निकलती, भाप नहीं निकलती, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो इससे क्या होता है कि इससे छाछ फट जाती है। अभी मैं भाप निकलने लग गई है इसमें, अब इसको चलाना कर देते हैं बंद। दोस्तों ये हमारी कढ़ी इस तरह से बन चुकी है, ये देखो इसको निकालते हैं इसमें। दोस्तों कढ़ी बनने के बाद में कुछ इस तरह से लग रही है। अगर ये मेरी कढ़ी आपको पसंद आए, मेरी या मेरा आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।